हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व करते हैं क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 13.1। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, बोलता है द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल, जिसका कि बोलता है पैरीमीटर हमें दे रखा है 250 मीटर। तो देखिए रेक्टेंगुलर होल इस टाइप का रहेगा। अब इसमें देखिए लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो पैरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का, तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमें पैरीमीटर कितना दे रखा है, 250 मीटर इतना दे रखा है। अब आगे बोलता है कि इसकी जो चारों दीवारें हैं ये, इनमें पेंट करने में जो खर्चा आया वो आया 15,000 रुपये। अगर 1 मीटर स्क्वायर का रेट 10 रुपये है तो उस हिसाब से 15,000 रुपये खर्चा आया। तो हाइट निकालिए होल की। देखिए कभी भी अगर इस टाइप का करना हो तो इसमें जो एरिया जो हो जाएगा 4 वॉल का, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो वो उसका फॉर्मूला था 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होता है। तो ये एरिया जो है ये बराबर होगा इसके 15,000 / 10, क्योंकि देखिए 15,000 रुपये खर्चा आया कुछ भी जो एरिया था। मान लिया कि एक्स मीटर स्क्वायर एरिया था, उसको 10 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये खर्चा आया। तो अगर हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 15,000 को डिवाइड कर देंगे 10 से। तो वही चीज़ करिए, मैंने यहाँ पे ये डिवाइड करने पे आ जाएगा, देखिए आंसर 1500 के बराबर। अब देखिए ये जो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड जो 250 के बराबर, तो यहाँ पे मैं इतने की जगह 250 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 250 × h = 1500। तो एच किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, h = 1500/250, और इसको डिवाइड करेंगे अब। तो देखिए 5 से 5 ने 0 से 0 कट गया, 5 × 5 = 25, और ये आ गया 5 × 6 = 30। तो ये 6 मीटर आ गया, क्योंकि ये जो था एरिया वो मीटर स्क्वायर में था। तो यहाँ पे डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर ऊपर हो गया, मीटर ये नीचे, तो मीटर से ये मीटर स्क्वायर को डिवाइड करा तो मीटर में ही बचेगा 6 मीटर। तो हाइट जो है, हमारा आंसर जो है वो आया 6 मीटर। तो इतना ही था, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट रहा होगा तो एक दो बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। उसके बाद भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।